हेलो, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र स्टडीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्व करने वाला हूँ इस वीडियो में, जो बिहार बोर्ड द्वारा इंटर का ऑफिशियल मॉडल पेपर 2020 का जारी किया गया है। दोस्तों, अगर आप साइंस से हो या कॉमर्स से हो या आर्ट से हो, दोस्तों अगर आप 100 मार्क्स हिंदी रखे हो तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग कंटिन्यू देखिएगा। इंग्लिश हिंदी जो है साइंस कॉमर्स आर्ट वाले के लिए सेम ही रहता है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग कंटिन्यू देखिएगा अगर आप 100 मार्क्स का हिंदी रखे हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। बगल में बेल घंटी आ जाएगा, उसको आप ऑन कर दीजिए। इस चैनल से आप लोग जुड़ जाएंगे, कोई भी बिहार बोर्ड से न्यू अपडेट आएगा, न्यू इन्फॉर्मेशन आएगा, सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा, आप लोग देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते किस प्रकार की जो है हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2020 एनुअल, यहाँ पर हिंदी मॉडल से देख सकते हैं, यहाँ पर 100 मार्क्स का एग्जाम होगा आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें आपको 60 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा और जिसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव का सही जो आंसर जो है आप लोगों को एएमआर शीट में आपको चिन्हित करना है। तो दोस्तों, चलते ही ऑब्जेक्टिव की तरफ, आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव सदैव शब्द का संधि विच्छेद है, सदैव शब्द का संधि विच्छेद है। तो सदैव शब्द का संधि विच्छेद जो है इसका सादा जोर ए हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। दो नंबर क्वेश्चन, स्वर्ग प्राप्त कौन समास है, स्वर्ग प्राप्त कौन समास है। दो नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है सी हो जाएगा, तत्पुरुष जो है स्वर्ग प्राप्त कौन समास है, तो तत्पुरुष, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तीन नंबर क्वेश्चन, कर्बक के रचयिता है, तो कर्बक का रचयिता जो है जायसी है, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चार नंबर क्वेश्चन, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। चार नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है बी हो जाएगा, अवधि, जायसी रचित पद्मावत की भाषा जो है अवधि है। पांच नंबर क्वेश्चन, परमौषध शब्द का संधि विच्छेद करें, परमौषध शब्द का संधि विच्छेद करें। पांच नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है परम जोर औषध हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। छः नंबर क्वेश्चन, धन शब्द का लिंग निर्णय करें। छः नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है धन शब्द जो है पुलिंग हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सात नंबर क्वेश्चन, अनचाहा शब्द में उपसर्ग है। तो दोस्तों, उपसर्ग जो आ गया आपको फर्स्ट शब्द आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर अन हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आठ नंबर क्वेश्चन, उद्गम शब्द का संधि विच्छेद करें। तो दोस्तों, उद्गम शब्द का संधि विच्छेद जो है उत् प्लस गम हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नौ नंबर क्वेश्चन, कन्या का क्या अर्थ है। नौ नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है आपको हो जाएगा गोद, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कन्या का अर्थ जो है गोद होता है। दस नंबर क्वेश्चन, नाभादास किस काल के कवि थे। तो दस नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है आप लोग को हो जाएगा बी हो जाएगा, भक्ति काल के कवि थे। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग कंटिन्यू देखेगा और इस क्वेश्चन को आप लोग याद करते चलिए। कई बार होता है कि मॉडल पेपर से जो है बोर्ड एग्जाम में जो है 6-7 क्वेश्चन जो है पूछ दिया जाता है हर साल। तो दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन को आप लोग याद करते चलिए और इस वीडियो को आप लोग कंटिन्यू देखिए, तब ही आपको समझ में आएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, सूरदास गुरु का क्या नाम है। 11 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है सी हो जाएगा, वल्लभ भातचराय, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वल्लभ भातचराय। 12 नंबर क्वेश्चन, शिवा बावनी में किसकी वीरता का वर्णन है। 12 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है सी हो जाएगा, शिवा जी का वीरता का वर्णन है। 13 नंबर क्वेश्चन, परिताई शब्द है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो परिताई शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा हो गया, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, मिठास शब्द में प्रत्यय है। तो दोस्तों, मिठास जो आ गया लास्ट शब्द जो हो जाएगा, 14 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है सी हो जाएगा, मिठास। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आस हो जाएगा, प्रत्यय में लास्ट शब्द और उपसर्ग में फर्स्ट शब्द, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आस। 15 नंबर क्वेश्चन, व्यापार शब्द का विशेषण होगा, इसका करेक्ट आंसर जो व्यापारिक हो जाएगा, व्यापार शब्द का विशेषण जो है व्यापारिक हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन है। तो दोस्तों, आप लोग को पता होना चाहिए कि सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता जो है पुत्र वियोग है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, जन जन का चेहरा एक के रचनाकार है। 17 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा, गजाननन माधव मुक्ति बोध, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, ज्ञानेंद्रपति का जन्म किस प्रांत में हुआ था। तो दोस्तों, आप लोग को पता होना चाहिए कि झारखंड में हुआ था, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, लोक का विशेषण लौकिक हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, समाद शब्द का अर्थ है, समाद
समास शब्द का अर्थ है। तो समास शब्द का अर्थ जो है संक्षेप हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, संक्षेप। 21 नंबर क्वेश्चन, लड़कपन शब्द में प्रत्यय है, लड़कपन शब्द में प्रत्यय है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है 21 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ए हो जाएगा, अन, लड़कपन, तो इसका करेक्ट आंसर अन हो जाएगा ए। 22 नंबर क्वेश्चन, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद लिखे, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद लिखे। दोस्तों ये भी हिमालय का जो है संधि विच्छेद जो है बार बार बोर्ड एग्जाम में जो है पूछा जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा हिमजोर आले, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, जूठन आत्मकथा में स्कूल के प्रधानाध्यापक का क्या नाम था, जूठन आत्मकथा में स्कूल के प्रधानाध्यापक का क्या नाम था। 23 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है आपको हो जाएगा सी हो जाएगा, कली राम जो है जूठन आत्मकथा में स्कूल का प्रधानाध्यापक का नाम था कली राम, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, जायसी ने अपनी एक अंक की तुलना किससे की, जायसी ने अपनी एक अंक की तुलना किससे की। तो 24 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है डी हो जाएगा, दर्पण से की, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा शीर्षक पाठ के रचयिता है, शिक्षा शीर्षक पाठ के रचयिता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जो कृष्णन मूर्ति, जो कृष्णन मूर्ति, इसका करेक्ट आंसर ए सी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, जूठन किस चेतना की रचना है, जूठन किस चेतना की रचना है, तो 26 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दलित चेतना की रचना है, जूठन जो है दलित चेतना की रचना है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का। 27 नंबर क्वेश्चन, यथार्थ शब्द कौन समास है, यथार्थ शब्द कौन समास है, तो 27 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो यथार्थ जो शब्द है जो अत्यायी भाव है, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, बातचीत शीर्षक निबंध किस विधा की रचना है, बातचीत शीर्षक निबंध किस विधा की रचना है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि निबंध की विधा की रचना, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, कुरमाई का क्या अर्थ होता है, कुरमाई का क्या अर्थ होता है, तो मंगनी हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक के नाम से जाना जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन, जिसकी गिरवा सुंदर हो का एक शब्द होगा, जिसकी गिरवा सुंदर हो का एक शब्द होगा, 31 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सुग्रीव हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, अदरक शब्द का लिंग निर्णय करें, अदरक शब्द का लिंग जो है निर्णय करें। 32 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है पुलिंग हो जाएगा, अदरक जो है पुलिंग है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो चार भेद होते हैं, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के चार भेद होते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, मालती का पति पेशे से क्या है, मालती का पति पेशे से क्या है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि डॉक्टर, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का। 35 नंबर क्वेश्चन, प्रेमचंद क्या थे, प्रेमचंद क्या थे, तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये कथाकार थे, प्रेमचंद ये कथाकार थे। 36 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुवन शब्द कौन समास है, त्रिभुवन शब्द कौन समास है, तो द्विगु समास है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन, जल का पर्यायवाची होगा, तो जल का पर्यायवाची जो नीर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का। 38 नंबर क्वेश्चन, पक्षी शब्द का पर्यायवाची है, पक्षी शब्द का पर्यायवाची है, तो 38 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कि खग हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, पक्षी शब्द का पर्यायवाची जो है खग हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, पुत्र शब्द का पर्यायवाची है, पुत्र शब्द का पर्यायवाची है, तो 39 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तन्य हो जाएगा, पुत्र का पर्यायवाची शब्द तन्य हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, गीला शब्द का विलोम होगा, गीला शब्द का विलोम होगा, तो गीला शब्द का जो विलोम जो हो सूखा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, घात का विपरीतार्थक शब्द है, घात का विपरीतार्थक शब्द है, तो 41 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है प्रतिघात हो जाएगा, घात का विपरीतार्थक शब्द पूछेगा तो प्रतिघात हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, गुच्छा शब्द संज्ञा है, गुच्छा शब्द संज्ञा है, 42 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है बी हो जाएगा, समूहवाचक जो है गुच्छा शब्द संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है गुच्छा है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन, जिसके दो पद है एक का एक शब्द है, जिसके दो पद है का एक शब्द है, 43 नंबर क्वेश्चन का द्विव पद हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जिसके दो पद है द्विव पद हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, अन लगना मुहावरे का अर्थ है, अन लगना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वस्थ रहना है, अन लगना मुहावरे का अर्थ स्वस्थ रहना, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, गुप्त शब्द का विलोम होगा, गुप्त शब्द का विलोम होगा, तो इसका करेक्ट आंसर प्रकट हो जाएगा, गुप्त शब्द का विलोम जो है प्रकट हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन, जिसके पानी में बिना है एक का एक शब्द है, जिसके पानी में बिना है एक शब्द है, 46 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बिना पानी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, महोत्सव का शब्द का संधि विच्छेद करें, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद करें। 47 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर महाजोर उत्सव हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा।
48वां क्वेश्चन, दो दिन का मेहमान मुहावरे का अर्थ है, दो दिन का मेहमान मुहावरे का अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल्द भागने वाला है, जल्द भागने वाला जो है दो दिन का मेहमान होता है, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन, कांटा शब्द का विशेषण होगा, कांटा शब्द का विशेषण होगा, तो कांटा शब्द का विशेषण जो है कंटीला हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन, ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ है, ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना, किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 51वां क्वेश्चन, ग्राम शब्द का विशेषण है, ग्राम शब्द का विशेषण है, 51वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ग्रामीण हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। 52वां क्वेश्चन, अभियोजन शब्द में कौन उपसर्ग है, अभियोजन शब्द में कौन उपसर्ग है, तो दोस्तों फर्स्ट शब्द चुनना है, तो 52वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पहले अभी आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अभी, अभियोजन शब्द का उपसर्ग जो है अभी हो जाएगा। उपसर्ग कहेगा तो दोस्तों फर्स्ट शब्द चुनना है, प्रत्यय कहेगा तो लास्ट शब्द चुनना है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 53वां क्वेश्चन, आंशिक शब्द में कौन प्रत्यय है, आंशिक शब्द में कौन प्रत्यय है, 53वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो सी हो जाएगा, एक आंशिक, तो दोस्तों प्रत्यय बोल रहा है तो एक हो जाएगा, आंशिक लास्ट शब्द चुनना है तो एक हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, एक। 54वां क्वेश्चन, तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे, तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे, तो 54वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नरहरिदास हो जाएगा, नरहरिदास जो है तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे। 55वां क्वेश्चन, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वीर रस का जो है भूषण ने प्रमुखता दी है। 56वां क्वेश्चन, सरोज स्मृति किसकी रचना है, सरोज स्मृति किसकी रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो है सरोज स्मृति रचना है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 57वां क्वेश्चन, रोज कहानी की नायिका है, रोज कहानी की नायिका है, 57वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है डी हो जाएगा, मालती की जो है रोज कहानी की नायिका जो है मालती है, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 58वां क्वेश्चन, विद्यार्थी और राजनीति निबंध किसका लिखा हुआ है, विद्यार्थी और राजनीति निबंध किसका लिखा हुआ है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 58वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भगत सिंह के द्वारा जो है विद्यार्थी और राजनीति निबंध लिखा गया है, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 59वां क्वेश्चन, सुरक्षा कहाँ हो सकती है, सुरक्षा कहाँ हो सकती है, तो चुनौती को झेलने में, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 59वां क्वेश्चन का। 60वां क्वेश्चन, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार है, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार है, 60वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार है, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके अंदर कितना याद थे और आप कितने इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए कि हिस्ट्री का आपको दोस्त भी आंसर मिला सके। अगर आप इस चैनल पर नए हो, अगर आप चाहते हैं बिहार बोर्ड से जुड़ी इन्फॉर्मेशन देखने एवं जानने के लिए, टेंथ प्लस ट्वेल्थ की तैयारी के लिए, दोस्तों इसी वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए, बगल में बेल घंटी आ जाएगा उसको आप ऑन करके रखिए, कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास जाएगा, सबसे पहले आप देख सकेंगे और इस चैनल से जुड़ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।